आपके बच्चों के भविष्य के जो अधिकार हैं इस संविधान के अंदर है। जब भी तो ये इनके मिनिस्टर बोलते हैं कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं, और इनकी सरकार के अंदर पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर इन्हीं के कुछ लोग संविधान को जलाने का काम करते हैं। एक नवंबर से लेकर और 26 नवंबर तक हम पूरे देश के अंदर संविधान जागरूकता अभियान चलाएंगे। पहले भी हमने चलाया था पूरी दिल्ली के अंदर, अब की बार हम थोड़ा इसको और ज़्यादा बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। संविधान जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी देश के अंदर? आपने देखा है 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार संविधान को कमज़ोर करती आई है। जो भी संविधानिक जो वो है अपना ऑफिसेज हैं उनको कमज़ोर करती आई है, उनकी ताकत को कमज़ोर करती आई है, डेमोक्रेसी को कमज़ोर करती आई है। संविधान को वो लोग क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? संविधान को इसलिए वो लोग कमज़ोर कर रहे हैं क्योंकि संविधान करोड़ों करोड़ों लोगों को अधिकार देता है। जिस इंसान को पढ़ने का अधिकार नहीं था संविधान ने दिया, अच्छी नौकरी पर जाने का अधिकार नहीं था संविधान ने दिया, मान सम्मान की ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं था संविधान ने दिया। करोड़ों लोगों को जो संविधान अधिकार देता है उस संविधान के पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं ये समझना पड़ेगा। इसलिए जो हमारी टीम है नीली क्रांति की, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि पूरे देश में जा जाकर लोगों को समझाने का काम करेंगे कि आपके जो अधिकार हैं वो इस संविधान के अंदर सुनिश्चित हैं, आपके बच्चों के भविष्य के जो अधिकार हैं इस संविधान के अंदर है। जब भी तो ये इनके मिनिस्टर बोलते हैं कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं, और इनकी सरकार के अंदर पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर इन्हीं के कुछ लोग संविधान को जलाने का काम करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, संविधान में विश्वास करने वाले लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं, लोगों को समझाएं कि तुम्हारे अधिकारों को कमज़ोर किया जा रहा है, तुम्हारे अधिकारों को ये लोग दबा रहे हैं। हम लोग अगर इस मुकाम पर आए हैं, हम वकील बने हैं, तो संविधान की वजह से बने हैं। अगर संविधान नहीं होता देश के अंदर तो क्या हम वकील बन पाते? क्योंकि हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था तो वकील कैसे बन पाते? इस देश के अंदर IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील कैसे बन पाते? प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनने का जो रास्ता देता है वो संविधान देता है, मगर जो मौजूदा सरकार बैठी हुई है, जो उनके लोग बैठे हुए हैं, वो इस संविधान को धीरे 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 खत्म कर रहे हैं। उसके उदाहरण भी है, आपने देखा होगा राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री जी जो है वो संविधानिक पोस्ट पर है, और संविधानिक पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति अगर रहता है तो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है, मगर प्रधानमंत्री जी वहां गए और एक धर्म को उन्होंने प्रोपोगंडा को प्रमोट किया जो सरासर गलत है, जो सेकुलर स्टेट की परिभाषा में नहीं आता है। और इनकी जो सरकारें हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को भी खत्म कर रही हैं, इट मीन्स कि पूरे संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हजारों सालों की गुलामी काटी, और गुलामी काटने के बाद इस संविधान देने का काम किया। इस संविधान में सब ताकत है, अगर ये संविधान चला गया तो जो करोड़ों लोग आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं वो अच्छी जिंदगी नहीं जिएंगे। और आपने देखा होगा कि आपके बच्चों के लिए जो अधिकार है एजुकेशन का अधिकार आर्टिकल 21A, वो कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। क्या इस देश के अंदर एजुकेशन फ्री और कंपल्सरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। एजुकेशन को भी दो भाग में बांट दिया गया है, जो उनके अमीरों के बच्चे हैं उनके लिए अच्छी एजुकेशन है, आज भी उनकी एजुकेशन बराबर चल रही है, और जो गरीबों के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। एजुकेशन मिलेगी तो ऐसे जो लोग हमारी टीम बैठी हुई है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ऐसे लोग पैदा होंगे, वो सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछेंगे कि तुमने संविधान को क्यों नहीं देश के अंदर लागू किया। अगर संविधान को देश के अंदर लागू कर देते तो देश की स्थिति अलग होती, गरीब नहीं होते इस देश के अंदर। संविधान तो ऐसा नहीं कहता है, संविधान तो सबको अधिकार देता है, संविधान तो सबको रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार देता है, मगर आज आपको समझना पड़ेगा 1950 के बाद देश 2020 में चल रहे हैं, 70 साल के बाद भी हमारी स्थिति कैसी है देश के अंदर। आज भी 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, जबकि संविधान कहता है कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, खाना देगा, मगर हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे क्योंकि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच रहे हैं। सर आपने देखा होगा कि जो सरकारें हैं, जो 70 साल तक जिन सरकारों ने राज किया, अगर वो इसका 10% भी सही तरीके से इसको इस्तेमाल कर लेते तो जो करोड़ों लोग गरीब हैं वो गरीब नहीं होते। आज क्या हो रहा है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला गया है, जबकि संविधान
अगर सही रूप से लागू कर दिया जाए तो इस देश के अंदर कोई भी गरीब नहीं रहेगा, किसी पर अत्याचार नहीं होंगे, सबके पास रोटी कपड़ा और मकान होगा, सबके पास शिक्षा होगी, सबके पास सम्मान से जीने का अधिकार होगा। जब इस देश के अंदर, इस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति की डिग्निटी होगी, तो फिर कैसे दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, ओबीसी के साथ, बहुजनों के साथ इस देश के अंदर व्यवहार किया जाता है? आपको अच्छी तरह पता है, सारे मीडिया बिंदु जानते हैं कि इस देश के अंदर जब से मौजूदा सरकार आई है वो एक तरफा कार्रवाई करने का काम करती है, और जितने भी बहुजन समाज के एक्टिविस्ट लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं, जो अधिकारों की बात करते हैं, उनको जेल में डालने का काम करते हैं, ड्यूटी एफ आई आर करने का काम करते हैं। अगर इस देश में धीरे धीरे संविधान को खत्म कर दिया गया तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके पास कुछ नहीं है फिर अधिकार, हमें कोई ताकत नहीं देता। ताकत अगर देता है तो संविधान देता है। इसके इसको भी चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस पर भी देखे कर रहे हैं कि राम की मूर्ति है इसमें, लक्ष्मण की मूर्ति है, हनुमान की मूर्ति है, ये फलाने की मूर्ति है, ये क्या है, ये हिंदुत्व को पैदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। फिर दोबारा ये मनुस्मृति को चलाना चाहते हैं। और मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति कहती है कि दलितों को सिर्फ पैर की जूती समझा जाएगा। इस देश के जो करोड़ों लोग हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण करते हैं, जो बिल्डिंग की बुनियाद रखते हैं, जो इस देश का निर्माण करते हैं, उन लोगों को अपमान की जिंदगी जीने का ये करेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं अगर ये संविधान नहीं होगा तो। इसलिए हमारी ड्यूटी है सभी लोगों की, जितने भी देश के अंदर संविधान में जो विश्वास करते हैं, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, उनकी ड्यूटी हो जाती है कि अपने लोगों को तैयार करें लड़ने के लिए, मानसिक रूप से लड़ने के लिए तैयार करें। और जब तक तुम संविधान को नहीं पढ़ेंगे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, वैसे हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बचाना चाहते हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो संविधान में है, आप संविधान को पढ़ेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विषय में पता लगेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के अंदर कैसा समाज बनाना चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे, कैसा समाज, वो समता मैत्री भाईचारे का समाज बनाना चाहते थे। क्या इस देश के अंदर समता मैत्री भाईचारा है? नीली क्रांति का नारा है जस्टिस फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। समाज में जस्टिस है क्या? समाज में बराबर है? आज भी मूंछ रखाने पर कत्ल कर देते हैं, आज भी अच्छे कपड़े पहनने पर लोगों को मारा जाता है। इस संविधान में क्या हमको आजादी नहीं है? क्या इकोनॉमिक जो है जस्टिस है क्या? नहीं है। एक तो इतना है उस पर पैसा है कि उसको पता ही नहीं कितना पैसा, और एक आदमी खाने के लिए भी लाचार है। क्या संविधान में ऐसा लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि जो सरकारें हैं वो उनकी मदद करेंगी। और पॉलिटिकल जस्टिस जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार दिया, रिजर्वेशन का जो अधिकार दिया था, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं और 1061 जो विधायक जाते हैं, वो संविधान की कसम खाते हैं कि हम संविधान को बचाने का काम करेंगे, मगर वहां जाकर वो अपनी कुर्सी को बचाने का काम करते हैं, वो संविधान को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग संविधान को नहीं बचाएंगे तो हमारी ड्यूटी होती है, संगठनों की ड्यूटी होती है, और नीली क्रांति इस काम को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह वो वचनबद्ध है, वो पूरे देश में संविधान को लेकर जाएगी। आज से हम संविधान की यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान के जागरूक अभियान निकाल रहे हैं। आज हमारी कॉन्फ्रेंस से आपको हमारी आपसे हमारी गुजारिश है कि इस मैसेज को दूर तक पहुंचाएं। जो भी व्यक्ति हमारे साथ सहयोग करना चाहता है, प्रोग्राम कराना चाहता है, वो अलग बात है, वो तो आप पहुंचाएंगे, मगर हमारा प्रोग्राम भी है। हमारे 10 बड़े प्रोग्राम है, दिल्ली में हमारे प्रोग्राम है, बाहर भी हमारा आगरे में भी प्रोग्राम है 17 तारीख को, 29 तारीख को हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारा हापुड़ के अंदर है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हापुड़ में एक हमारी टीम 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक गांव-गांव जाएगी, रात को वहीं स्टे करेगी, लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। हमारी पूरे देश के कई टीम हमारे काम कर रही है, हम संविधान को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनसे चुनौती है उनको हमारी कि कितना तुम संविधान को खत्म करेंगे। जब जब भी तुम संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी इस देश में संविधान को स्थापित करने का काम करेंगे, और संविधान इस देश में स्थापित होगा क्योंकि संविधान से लाखों करोड़ लोगों को जो आजादी मिली है उस आजादी को अब छीनने नहीं देंगे, उस आजादी को अब छीनने नहीं देंगे। क्योंकि अगर संविधान खत्म होता है इस देश के अंदर तो फिर दोबारा आपको पता ही है कि कैसे गुलामी का राज चलेगा। क्या आप लोग गुलामी करना चाहेंगे? जितने भी लोग आपके माध्यम से मेरे आवाज को सुन रहे हैं, नीली क्रांति की आवाज को सुन रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है जहां भी आप लोग हैं वहां पर संविधान की आप जागरूकता फैलाएं, और 26 तारीख को 26 नवंबर को इस देश के अंदर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन डे बनना चाहिए कि मनुवादी जो ताकत है वो कमजोर होनी चाहिए। अगर तुम अपने घर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान रखोगे, अपने बच्चों को अधिकारों के बारे में बताएंगे तो इनकी ताकत नहीं है, क्योंकि ये जनसंख्या में बहुत कम है। ये लोग 2-3% लोग हैं और हम 90-95% लोग हैं।
और ये 90-95% लोगों को गुलाम बनाने की आज रणनीति बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे संविधान को खत्म कर रहे हैं और वो अपनी मनुस्मृति को लेकर आ रहे हैं। अब मंदिरों की बात क्यों कर रहे हैं ये लोग? मंदिरों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो धर्म से उनको ज्यादा ताकत मिलती है। क्या हमें कभी धर्म से ताकत मिली? नहीं मिली हमें धर्म से ताकत। हमें मंदिरों से कभी ताकत नहीं मिली है। राम मंदिर पर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां से इन लोगों को पैसा मिलता है और इनकी सरकार चलती है। हमको जो ताकत मिली है संविधान के माध्यम से, हमको एजुकेशन से और शिक्षा से ताकत मिली है, हमको विद्यालयों से ताकत मिली है, वहां से हमको लेना चाहिए। हमारे लोगों को लाइब्रेरी खोलनी चाहिए और संविधान को घर घर में ले जाना चाहिए। इसी बात से हम आज लेकर चल रहे हैं। हमारी ड्यूटी है, हमारे पास पूरे एडवोकेट्स की टीम है, हमारे पास में एक्टिविस्ट की टीम है, महिलाओं की टीम है, वो पूरे देश में जितना भी हमारा हम पर हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे और आखिरी दम तक, अपने जीवन के आखिरी दम तक हम संविधान को जिंदा रखेंगे। क्योंकि संविधान जिंदा है तो हम जिंदा है, हम जिंदा है तो ये देश जिंदा है। अगर देश में लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? देश में लोग नहीं रहेंगे तो देश कैसे चलेगा? तो संविधान को हम लेके जा रहे हैं आज। और आपसे हमारी अनुरोध है, जितने भी पत्रकार साथी हैं आपसे अनुरोध है कि जो हमारी कैंपेनिंग है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि आप भी एक समाज का काम कर रहे हैं। और आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप बढ़ाकर चलेंगे, तो ये जो मैसेज है पूरे देश में जाएगा और पूरे विश्व में जाने का काम होगा और लोग भी मोटिवेट होंगे। तो हम लोग आज से स्टार्ट हो गए हैं और स्टार्ट होने के बाद में हम जगह जगह जाते रहेंगे। आपको बता दिया जाएगा जहां जहां हमारी मीटिंग्स हैं और मीटिंग्स का जैसा भी शेड्यूल होगा आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहली तो यही है कि संविधान को हमें सुरक्षित रखना है और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए नीली क्रांति सबसे आगे है और वो पीछे हटने वाली नहीं है। देश में नीली क्रांति होगी, देश के अंदर बाबा साहब का सपना पूरा होगा, देश के अंदर माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा होगा, देश के अंदर महापुरुषों का सपना पूरा होगा। यही आज की मीटिंग में हमारा उद्देश्य है।